सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जेसीबी का बूम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। जो भी हमारे हेल्पर भाई रहते हैं, नए नए ऑपरेटर भाई रहते हैं, जो भी सीखने वाले भाई हैं, उनको नॉलेज नहीं हो पाता है कि जेसीबी का लीवर जो हम बूम चलाते हैं किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। एक जगह पर रोकना किस तरीके से मतलब पड़ सकता है। जब भी आप चलाते हैं एक जगह पर रोकना आपको कंपलसरी पड़ेगा। तो आपको ये जो है ना कि बूम कंट्रोल करना आना चाहिए। तो एक जगह पर किस तरीके से रोकेंगे आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बूम को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है ना। अभी जैसे मैं चला रहा हूँ, यहाँ पर जो मट्टी मैं कटिंग कर रहा हूँ यहाँ से मैं डाल दिया। अभी जो यहाँ पर बूम देखिए, मतलब कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से कंट्रोल। देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर करते हैं, यहाँ पे स्लो कर देना है, अपने आप यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। देखिए अभी जैसे कि मैं यहाँ पे भी कंट्रोल करने का, देखिए किधर भी आप करते हैं, कोई भी आप फंक्शन छेड़छाड़ करते हैं तो चलाते हैं कैसे। देखिए कंट्रोल करना इस साइड, यहाँ पे स्लो कर दीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लेकर आना है, स्लो कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल हो जाएगा। बूम वहीं को वहीं रहेगा, कहीं किधर भी जाएगा नहीं, ठीक है ना। जितना अच्छा आप मशीन लगाए रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल होगा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे अभी कंट्रोल करते हैं। देखिए कोई भी बूम चलाइए, देखिए किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जब भी आप चलाते हैं ना कि इधर भी इधर ले जाएं चाहे इधर ले जाएं, ठीक है, या लोडिंग करें या कुछ भी करें, तो आपको जब इसी में कंट्रोल करना है, बूम को अप या डाउन में कंट्रोल करना है, तो जो भी देखिए इसमें आपको मशीन जब भी चला रहे हैं ना तो आपको स्लो कर देना है। देखिए मशीन तेज में चलेगा, स्लो कैसे करना, बूम ऐसे चलाएंगे झटका में नहीं जाएगा, स्लो जाएगा। यहाँ पे इसको हल्का हल्का रोक देना है, ऐसे रोकेंगे तो बूम ऑटोमेटिक वहाँ पे रुक जाएगा। फिर इस साइड आपको ले जाना है तो इस साइड कीजिए फास्ट में, फिर इसको आराम से यहाँ पे स्लो कर दीजिए जहाँ पे ले जाना है। तो ऑटोमेटिक ये जो होता है ना, स्लो करने का मतलब रोकने का तरीका होता है, कंट्रोल करने का होता है। इसी में बूम को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। अप डाउन या कुछ भी करना है, यहाँ पे देखिए स्लो कर देंगे छोड़ देंगे, यहाँ पे स्लो कर देंगे छोड़ देंगे, फिर रुक जाएगा। कंट्रोल करने का तरीका यही होता है। देखिए एक बार और देखिए, देखिए यहाँ पे इस तरीके घुमाएंगे, स्लो कर देंगे, यहाँ पे रुक गया, फिर उसके बाद इधर ले आएंगे, स्लो कर देंगे, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अभी डाउन करना है तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे छोड़ देंगे, ये रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, हल्का सा छोड़ेंगे, रुक जाएगा। देखिए ये तरीका होता है, जब भी आपका जिधर भी जा रहा है मशीन, उधर जिधर घुमा रहे हैं, आपको स्लो कर देना है, आपका गाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है ना। इधर भी आपका बूम मतलब वो डाउन कर रहा है ना, उसको आप स्लो कर देंगे तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से समझाता हूँ इस तरीके से करेंगे, स्लो कर दीजिए ऑटोमेटिक रुक जाएगा। फिर उसके बाद अगर इधर कर रहे हैं इसको स्लो कर दीजिए ऑटोमेटिक वहाँ रुक जाएगा। देखिए कितना ही फास्ट, इसको स्लो कर देना है। अभी डाउन कर रहे हैं छोड़ दीजिए, ऊपर कर रहे हैं छोड़ दीजिए। ये रोकने का एक तरीका होता है ना, ये इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऐसे आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपने समझ लिया किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ये लीवर होता है कंट्रोल करने का, जिधर भी आप फास्ट चलाइए इधर चलाइए स्लो कर देना है, फिर इधर चलाइए तो अभी आपको ये छोड़ देना है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका तरीका होता है कंट्रोल करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।